नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के कृषि विभाग में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। 1000 से ज्यादा पदों पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर एटीएम, बीटीएम, स्टोनो और अकाउंटेंट जैसे पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी निकल के आ रही है। हम जानेंगे इसके जो है नोटिफिकेशन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो है ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को जो है हैप्पी होली। आइए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं जो वैकेंसी निकल के आ रही है, और ये संविदा वैकेंसी है। कोई आपको एग्जाम नहीं होगा, ना ही फॉर्म भरने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन फी देने होंगे। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट फॉर एटीएम, बीटीएम, स्टोनो और अकाउंटेंट, ये जो है चार तरह की वैकेंसी है। चारों जो है अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जानेंगे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया अलग अलग पोस्ट के लिए। सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट का मैंने जो है डायरेक्ट लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये वाला नोटिफिकेशन जो है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिये ये नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बोला गया है कि आत्मा योजना जिला अंतर्गत प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना एवं युक्त योजना करवाने हेतु जो है यहाँ पे देख सकते हैं संविदा आधारित नियोजन हेतु नियमावली यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं प्रखंड स्तर पे जो है 288 पोस्ट हैं, जिसका पहला जो नाम है जिस पोस्ट का है प्रखंड तकनीकी प्रबंध, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं एक बार और बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एटीएम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में जो है बताया गया है। इसमें बोला गया है कि कृषि से या उद्यान से या कृषि अभियंत्रण से या वानिकी से या पशु चिकित्सा से या पशु विज्ञान से, मत्स्यकी से, गव्य प्रौद्योगिकी से आपने डिग्री की है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 37 वर्ष मैक्सिमम उम्र बोला गया है और 30,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया गया बोला गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कुछ कार्य अनुभव के बारे में जो है जानकारी बताई गई कि कुछ कार्य अनुभव भी आपसे रखे जाएंगे, जैसे कि 3 वर्षों के लिए आपको जो है कार्य अनुभव। इसके वजह से सहायक तकनीकी प्रबंधक की वैकेंसी है जिसमें 587 पोस्ट है। इसमें भी बोला गया कि आपने जो कृषि उद्यान या अभियंत्रण पशु चिकित्सा जैसे पोस्ट में जो है आपने डिग्री लिया हो, स्नातक की डिग्री लिया हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 37 वर्ष 25,000 सैलरी है। इसकी वजह से लेखापाल, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीकॉम बोला गया है। अगर आपने जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स विषय से जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, 160 पोस्ट है इसमें, तो आवेदन दे सकते हैं। 22,500 सैलरी है, मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष है। आशु लिपिक, जिसको लिपिक हम बोलते हैं, 6 पोस्ट है, स्नातक बोला गया है, और आशु लिपिक का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा, जिसको ADCA DCA जो आप बोलते हैं वो आप किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 22,500 सैलरी और 37 वर्ष मैक्सिमम उम्र यहाँ पे बोला गया है। तो ये वैकेंसी की जानकारी है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है, और फॉर्म जो है आउट ऑफ बिहार के लोग भी आवेदन दे सकते हैं, जैसे कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, तो ये यहाँ पे देखिए बताया गया है। उम्र सीमा यहाँ पे बताया गया, आरक्षण बताया गया, आवेदन देने की प्रक्रिया बताया गया। आवेदन जो है फ्रेंड्स, आप 15 अप्रैल 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। और यहाँ पे देखिए बोला गया कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में 1 से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है 2 जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं और 1 से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट, देखिए यहाँ पे कोई आपको एग्जाम नहीं होगा, आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद से जो है शॉर्टलिस्ट होंगे आप, आपके जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में और जो आपके एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको जो है क्या होगा मार्क्स मिलेगा और आपका जो है सिलेक्शन मेरिट बनेगा। जिसका सबसे ज्यादा मेरिट अच्छा बनेगा उनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कैसे कैसे कब कब क्या होंगे, काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग में जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, सब चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। अब आइए जानते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट पे आपको आना होगा, और यहीं पे देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक डेमोग्राफी प्लस ओटीपी और डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन और इरिस। इससे क्या होगा कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इसको टिक करेंगे, यहाँ आधार नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे है, ऑथेंटिकेशन करेंगे ना तो आपके आधार से जो है ऑथेंटिकेशन होगा, आपका नाम और यहाँ पे आपका आधार नंबर, और उसके बाद से उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करके जो है आप आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन है,
तो इसमें आपको जो है फिंगर से होता है, इरिस जो आंखों के रेटिना की वजह से होता है वेरिफिकेशन। तो तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन प्रेफर है, यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है, अपना नाम लिखना है और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है, ओटीपी को वेरीफाई करके वैलिडेट करेंगे और ये वैलिडेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिए हैं, ये देखिए वैलिडेट हो गया। वैलिडेट होते ही फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रकार से जो है लिख देगा कि आधार ऑथेंटिकेशन डन। यहाँ पे आपको लेवल बताना है कि आप जिला स्तर पे आवेदन देना चाहते हैं या प्रखंड स्तर पे। L1 L2 का ऑप्शन है जो आपको वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड्स, मैं आपको अगेन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आप दो से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो है प्रखंड स्तरीय है, इसके बाद से बाकी के जो यहाँ पे पोस्ट हैं, यहाँ पे ये देखिए जिला स्तर पे है, तो जिला स्तर पे मात्र 6 पोस्ट हैं और प्रखंड स्तर पे जो है आपको ये 3 पोस्ट है, 4 टोटल वैकेंसी है और चारों के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो जो जिला लेवल पे वैकेंसी है वो मात्र 6 है, जो की आसू लिपिक की वैकेंसी है। तो आपको देखना होगा, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आप किस लेवल पे आवेदन देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट खुल के आएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया प्रखंड स्तर पर 3 वैकेंसी है, तो तीनों वैकेंसी का नाम यहाँ पे खुल के आ जाएगा। वही अगर आप जिला स्तर पर चूज करते हैं तो जिला स्तर पर देखिए आसू लिपिक ही केवल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर लेंगे। फिर अपना फादर्स नेम, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना डोमिसाइल बताएंगे, बिहार के निवासी हैं अगर हैं तो हाँ करेंगे, और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो इसको टिक कर देंगे, नहीं हैंडीकैप्ड है तो इसको अनटिक ही रहने देंगे। हैंडीकैप्ड है तो जरूर टिक करिएगा, नहीं तो अनटिक रहने देंगे। जेंडर बताएंगे, कैटेगरी यहाँ से बताएंगे, जनरल बीसी एससी एसटी क्या है, किस कैटेगरी से आते हैं, अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लें। कैटेगरी चूज करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, एक पासवर्ड आपको बना लेनी है। पासवर्ड आप जैसे चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, इस कैप्चा कोड को भर के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। सपोज अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी जो है जनरल हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद चलिए हम यहाँ करते हैं रजिस्टर। जैसे फ्रेंड्स आप रजिस्टर करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपने जो बनाया था वो दिख जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे, शायद आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ गया होगा, आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर लेंगे। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी जो आपको प्राप्त हुआ है, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करेंगे, यानी आप जो है लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है, आपका नाम शो होता है। अब आपको यहाँ पे देखिए ये 6 स्टेप आपको करने हैं, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कैसे भरना है। आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पे देखिए मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, जिस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड भी करनी है। तो आगे हम बताएंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ करते हैं पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना जो है एड्रेस लिखना होता है, जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है। पिन कोड यहाँ लिखेंगे, एड्रेस में सारी जानकारी लिखेंगे, जैसे कि आपका गांव, पोस्ट, थाना, सब चीज यहाँ पे आपको पिन कोड। अब पूछ रहा है कि आपका जो है परमानेंट एड्रेस सेम है अबव की तरह, तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ब्लॉक बताएंगे, चूज डिस्ट्रिक्ट, अगेन आपको दो डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला ना, चूज डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि दो डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आप बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चॉइस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दो प्रीफरेंस आपको दिया गया, आप बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कहीं दो जगह आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। इसके वजह से इसको डिक्लेयर करके सेव करना है। जानकारी सेव करते हैं फ्रेंड्स, आपका जानकारी यहाँ पे सेव हो जाता है, आपका देखिए पर्सनल जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ ग्रीन हो गया। अब आपको जो है तीसरे स्टेप में क्वालिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी मांगी जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले 10वीं क्लास का बोर्ड का नाम बताएंगे, किस राज्य से आपने 10वीं पास किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है 10वीं में, पासिंग ईयर और फुल मार्क्स आपका क्या है, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको साथ में रखते हुए, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको छोड़ के, इंक्लूडिंग लिखता तो उसके साथ होता, तो एक्सक्लूडिंग लिख रहा है तो इसका मतलब उसको छोड़ के, यानी जो आपके मार्क्स हैं टोटल वो बताना है, कितना आपको मिला हुआ है ये बताना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह से 12वीं बोर्ड का नाम बताएंगे, किस राज्य से पास करे हैं, आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर क्या था 12वीं का, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स कितना का था, कितना आप को मिला हुआ है। ग्रेजुएशन की जानकारी बताएंगे, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको जो है बताना है स्पेशलाइजेशन। तो देखिए मैं जो है यहाँ पे लेखपाल के लिए आवेदन दे रहा हूँ जिसमें कॉमर्स बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट आ रहा है। अगर आप दूसरे पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा कि आपने एग्रीकल्चर में किया किसमें किया, तो इस तरह से आएगा, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंडेटरी रहेगा। पासिंग ईयर और कितना में कितना नंबर मिला, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी की जानकारी बताइएगा, कहाँ से किया हुआ है, फिर आपको किससे किया, स्पेशलाइजेशन क्या है,
और पासिंग ईयर, नहीं किए पीजी तो पीजी वाला ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, अगर किए तो जरूर भरिएगा, आपको प्रीफरेंस एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है, डाटा सेव करते हैं। देखिए मेरा एजुकेशनल वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे चौथा आता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मांग रहा आपसे एक्सपीरियंस। देखिए फ्रेंड्स, किसी किसी ऐसे पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रहा है, लेकिन देखता है बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हम यहाँ पे किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं आपको दिखाता हूँ। मैं लेखपाल के लिए आवेदन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो 160 पोस्ट है, बीकॉम बोला गया, ठीक है, लेकिन बोला गया कि भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों, संगठनों या वित्तीय पोषित संस्थाओं या कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें से कहीं से भी आपको जो है 3 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए जो है लेखापाल में, या जो अकाउंटेंट का होता है, अकाउंटेंट एक्सपीरियंस बोला गया है, तो ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देना मैंडेटरी है, बिना इसके आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस धारक वाले ही यहाँ पे केवल जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भले वो और भी कोई पोस्ट हो, जैसे कि सहायक तकनीक प्रबंध के भी पोस्ट हो, तो यहाँ पे बस केवल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। देख रहे हैं यहाँ पे, शायद इसके नीचे वाला ही शायद यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे खाली रखा गया है। लेकिन जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि क्या इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डैश लिखा गया, डैश का मतलब कुछ भी नहीं। तो मे भी हो सकता है कि सहायक तकनीक प्रबंध के लिए जो है कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं मांगी है, बाकी जो प्रखंड तकनीकी प्रबंध है उनके लिए यहाँ पे जो है अगेन जो है 3 वर्षों का अंग, 2 वर्षों के लिए जो है स्नातकोत्तर में जो है यहाँ पे कार्य अनुभव बोला गया है। तो आपको देखना होगा कि किसमें एक्सपीरियंस है, किसमें एक्सपीरियंस नहीं है। जिसमें एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और वो भरना जरूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भरेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस पोस्ट पर आपने काम किया, कब से कब तक काम किया है, नेचर ऑफ जॉब क्या था, और एरिया ऑफ एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आप चूज करेंगे। और भी है तो और ऐड करेंगे तो यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, ऐड करके जो है अपनी एक्सपीरियंस जानकारी भरनी है, फिर इसको सेव करके गो टू होम पे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस को ऐड कर दिया, एक्सपीरियंस मैंडेटरी था मेरे केस में, अगर आपके केस में नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं उसको। यहाँ पे आपको 5 नंबर में अपलोड करना है फोटोग्राफ सिग्नेचर, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए फोटोग्राफ चूज करना है जो कि 50 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है जो 20 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे पिक्सल भी दिया गया है डायमेंशन का, आपका कितना जो है पिक्सल का डायमेंशन होना चाहिए, ये आप इसी केस में अपलोड करेंगे, इजिली अपलोड हो जाएगा। फाइल को चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पे होम का बटन मिलेगा, यहाँ पे भी बैक टू होम का है, तो हम यहाँ से क्लिक करके क्या करेंगे, होम बटन पे अगेन आ जाएंगे। अब हमारा देखिए सिग्नेचर सब चीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि आपका अपलोड हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा है कि आप जो है यहाँ पे क्लिक करके फाइल फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप एक बार जो है यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू लेकर जो है फाइनल करिएगा, क्योंकि बाद में अगर मान लीजिए गलती रहा तो फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल करने से पहले आप यहाँ से जो है प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके जो है इसका प्रिंट प्रीव्यू जरूर जो है आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि जो भी जानकारी दिया है वो सब चीज आपने सही दिया है। अगर गलती है तो उसे सुधारेंगे। कैसे सुधारना है, तो बैक टू होम पे आके आप होम बटन पे आ जाएंगे, फिर आप जहां जहां गए थे फॉर्म भरने वहां वहां जा जाके जो सुधार कर सकते हैं। अगर नहीं गलती है तब जाके आप यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट अगेन आके जो है कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने फ्रेंड्स बात किया, बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वैकेंसी तो बहुत ही लाजवाब है, कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, सैलरी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा ये सारी वैकेंसी जो है संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता है, मतलब संविदा के आधार पर जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो कि मे भी हो सकता है कि 2 साल या 5 साल ऐसे करके होता है संविदा, लेकिन संविदा वाले हटाए नहीं जाते हैं। बिहार में जितनी वैकेंसी आती है फ्रेंड्स संविदा पे ही आती है, तो आपको सोच समझ के आवेदन करना है क्योंकि यहाँ पे हटाए नहीं जाते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा और भी, क्योंकि काफी सारे लोग का कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, लेकिन मेरा वीडियो का पर्पस था एक फॉर्म भर के बताना, एक जो है सही से जानकारी बताना कैसे फॉर्म को भरना है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डियर सेल्फिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।